नमस्कार मित्रों, मैं फार्मासिस्ट दीपक मौर्या आज आपके लिए एक ऐसी औषधि लेकर आया हूँ जो आपके सेहत का खजाना है। ये बहुत सी बीमारियों में काम आता है। ये सड़कों के किनारे आसानी से लगा हुआ मिल जाता है या गांव में इसके पौधे होते हैं। आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं, जिसे हम काहू के नाम से जानते हैं। एक ऐसा पौधा जिसका साइंटिफिक नेम टर्मिनेलिया अर्जुना है। इसे काहू के नाम से जाना जाता है, अर्जुन के नाम से जाना जाता है, पार्थ के नाम से जाना जाता है, धवल के नाम से जाना जाता है। ढेर सारे नामों से जाने जाने वाला पौधा, आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। इस पे कुछ इस प्रकार फल लगे होते हैं, ये इसके फल हैं, आप देख सकते हैं। ये अर्जुना का फल है और इसकी पत्तियाँ हैं। इसकी पत्तियाँ अमरूद की तरह होती हैं, अमरूद की तरह काफ़ी बड़ी बड़ी। उसी प्रकार का वेनेशन भी इसमें लगभग होता है। तो पार्थ का, धवल का, धनंजय का, काहू का या अर्जुन का पौधा आप आसानी से पहचान सकते हैं। अर्जुन का पौधा हमारे शरीर के लिए बेहद अच्छा है, खासकर हृदय रोगों के लिए, हृदय के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आइए हम आपको बताते हैं इस अर्जुन की छाल का, अर्जुन के पत्तों का क्या महत्व है, या फिर अर्जुन के पेड़ का क्या महत्व है हमारे लाइफ में, औषधि गुण इसके क्या क्या हैं। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं, ये अर्जुन का पौधा साल भर हरा भरा लगभग रहता है और पतझड़ के समय में थोड़ी पत्तियां झड़ जाकी और नई आती हैं, बहुत ही प्यारा लगता है ये पौधा। इससे बने प्रोडक्ट भी ढेर सारे मार्केट में उपलब्ध हैं, जिसे हम अर्जुनारिष्ट के नाम से जानते हैं या फिर पार्थवारिष्ट के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं, इसे पार्थवारिष्ट के नाम से अलग अलग कंपनियों में आता है। अर्जुनारिष्ट और पार्थवारिष्ट, ये सब बैद्यनाथ या डाबर कंपनी या तनसुख कंपनी, किसी भी कंपनी का आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको इसका प्रयोग करना, छाल का प्रयोग करना, इसका फूल भी प्रयोग में आता है, लेकिन यहाँ हम आज आपको सिर्फ छाल का प्रयोग बताएंगे। अर्जुन का छाल कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, कितने कितने रोगों में बहुत अच्छा काम करता है। तो अर्जुन की छाल हम आपको दिखाना चाहते हैं। अर्जुन की छाल देखिए, सूखी हुई छाल हमारे पास उपलब्ध है, हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये अर्जुन की छाल है और अर्जुनारिष्ट जो इसी के छाल से बना हुआ, रस से बना हुआ आसव और अरिष्ट जो आता है, ये उसी से अर्जुन की छाल से बना हुआ चीज़ है। आप देख सकते हैं, अर्जुन बहुत सी बीमारियों में काम आता है। ये इसके पेड़ काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। ये कार्डियो प्रोटेक्टिव है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में भी बहुत अच्छा काम आता है, क्योंकि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। कार्डियो प्रोटेक्टिव का मतलब होता है हृदय की जो मसल्स हैं, हृदय की, हार्ट की जो मसल्स हैं, उनको मजबूत करता है। और उनमें जो समस्या है, अगर आपकी हृदय की गति धीमी है या हृदय की गति तेज है, उसको बैलेंस में लाने का ये काम करता है। इसके साथ साथ ये अर्जुन का पौधा आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, यूरिक एसिड को कम करने में बहुत मदद करता है। ये अर्जुन का पौधा आपके शरीर में जितने कचड़े हैं, एसिडिक चीज़ें जितनी हैं, उसको निकाल के बाहर फेंकता है। ये वात संबंधी रोगों के लिए वरदान है। ये पैरालिसिस में भी दिया जाता है। वेहरिकोवेंस एक बीमारी है जिसमें नसें मोटी मोटी ऊपर फूल सी जाती हैं, उनमें एसिड्स जमा हो जाते हैं नसों में, या फिर रक्त की अम्लता बढ़ जाती है, तो उस केस में भी अर्जुन का काढ़ा या अर्जुनारिष्ट बहुत ही फायदा करता है। अगर आपके मुँह में छाले हैं तो इसके छाल का चूर आप शहद में मिलाकर लगाइए तो आपका छाला भी ठीक हो जाता है। अगर आपको मोटापा है तब भी आप अर्जुन की छाल लेकर यूज करते हैं तो मोटापा भी ठीक हो जाता है। हड्डी को मजबूत करने में, हड्डियों को जोड़ने में भी बहुत अच्छा मदद करता है। हार्ट अटैक से बचाता है, हार्ट ब्लॉकेज से बचाता है। हाई बीपी की समस्या है तब भी आप अर्जुन यूज कर सकते हैं, लो बीपी की समस्या है तब भी आप अर्जुन यूज कर सकते हैं। अब आपको लेना कुछ इस प्रकार है, अर्जुन की छाल को पीस लेना है, इसको खल में कूट कर चूर बना लेना है। इसकी चूर को एक चम्मच या आधा चम्मच की मात्रा में, जैसा बड़ा छोटा पर्सन रहेगा, व्यक्ति रहेगा, उसी हिसाब से एक चम्मच की मात्रा में दूध में मिश्री डाल के या गुड़ के साथ अगर लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर किसी को वात संबंधी बीमारी है, गठिया है, रूमेटोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, यूरिक एसिड बढ़ा हो, तो उस केस में, घुटनों में दर्द है, उस केस में अगर अर्जुन की छाल का चूर और सोठ की
चूर दोनों का मिला करके आधा आधा चम्मच की मात्रा में अगर एक चम्मच दूध में डालकर या मिश्री के साथ लिया जाए तो बहुत ही अच्छा काम करता है। ये वात रोगों के लिए वरदान है। हम जैसा कि हम लोग जानते हैं पैरालिसिस जो होती है, पैरालिसिस भी एक वात रोग है, तो पैरालिसिस के पेशेंट को भी ये बहुत अच्छा काम करता है। किसी व्यक्ति का अगर ब्लड गाढ़ा हो गया हो ये रक्त को पतला करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और हमारे जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है उस कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, यूरिक एसिड को कम करता है, हार्ट ब्लॉकेज से हार्ट अटैक से बचाता है। लेकिन अर्जुन की छाल लेने का एक उचित समय ये है कि आप नवंबर दिसंबर जनवरी, क्योंकि ये ठंडी का महीना वात का महीना होता है, गर्मी का महीना पित्त का महीना होता है और बरसात का महीना वात और कफ दोनों मिलाकर होता है, तो आपको वात वाले मौसम में ही अर्जुन की छाल लेना है। सिर्फ 3 महीने, बाकी टाइम भी आप ले सकते हैं लेकिन 3 महीने आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। 3 महीने लेने से आपके शरीर की पूरी सफाई कर देता है और अगले आने वाले सालों को आप में कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, कभी हार्ट ब्लॉकेज नहीं होगा। ये अर्जुन की छाल बहुत ही अच्छी है, शरीर के पूरे कचरे को साफ करने वाला है, आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन आप अगर 3 महीने लेते हैं तो ये शरीर के पूरे कचरे को ख़त्म कर देगा, आपकी शरीर की एसिडिटी को ख़त्म कर देगा, पूरी तरीके से आपका शरीर एसिड से मुक्त हो जाएगा, आपका शरीर स्वस्थ और अच्छा हो जाएगा, आपका मोटापा भी कंट्रोल हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक जैसी समस्या आती है, हार्ट ब्लॉकेज जैसी समस्या आती है, रक्त गाढ़ा हो जाता है। क्योंकि एसिडिटी 2 प्रकार की होती है, एक पेट की एसिडिटी जिसे पेट की अम्लता कहते हैं, एक रक्त की एसिडिटी जिसे ब्लड अम्लता कहते हैं। तो ब्लड अम्लता बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है पेट की एसिडिटी की अपेक्षा, तो इस एसिडिटी से बचने के लिए, शरीर के कचरे को बाहर निकालने के लिए आप अर्जुन की छाल का प्रयोग करें। ये आसानी से आपको पंसारी की दुकान पे 10-20 रुपए केजी के हिसाब से मिल जाएगी, या आप किसी प्रकार के आयुर्वेदिक दवा अगर मंगाना चाहते हैं तो आप हमसे भी फ़ोन करके मंगा सकते हैं। हमारा नंबर है 9151668336। आपको कोई भी हेल्थ संबंधी समस्या हो तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, वात रोगों में, पैरालिसिस में और इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को घटाने में, रक्त की एसिडिटी को घटाने में आप अर्जुन का प्रयोग करिए। स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।